चित्रकूट जनपद में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करने गए एआरटीओ पर अवैध उगाही का आरोप लगाकर ट्रक मालिक और ग्रामीणों ने मिलकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मामला भरतकूप कस्बे का है, जहां एआरटीओ विवेक शुक्ला ने आरोप लगाते हुए बताया है कि वह ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भरतकूप कस्बे में चेकिंग लगाए हुए थे, तभी दो ओवरलोड डंपर बालू और पत्थर से लदे हुए डंपर गाड़ी बिना नंबर प्लेट के आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर डंपर चालक द्वारा डंपर में लदे माल को गिराकर मौके से भागने लगे, जिसका पीछा करते हुए आगे पहुंचे तो स्कॉर्पियो सवार चार लोगों ने उनको रोक लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, तभी मौके पर पुलिस ने आकर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि एआरटीओ विवेक शुक्ला द्वारा स्थानीय लोगों को जानबूझकर परेशान करते रहते हैं, खड़ी गाड़ियों को लाख तोड़कर थाने ले जाते हैं और ओवरलोड दिखाकर जबरन चालान कर देते हैं। जिन लोगों से पैसा मिल रहा है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उन लोगों को जबरन रोककर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और पैसा न देने पर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उठा ले जाते हैं। आज उनके घर पर काम चल रहा था, जो डंपर से मोरंग लादकर घर के बाहर बराबरीकरण का काम चल रहा था, तभी एआरटीओ ने आकर जबरन उनके ड्राइवर को ले जाने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो महिलाओं के साथ भी अभद्रता करने पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो उन्होंने बना लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक मालिक और कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है, और एआरटीओ की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरा पक्ष भी एआरटीओ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर के थाने का घेराव किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सर मारिए नहीं मुझको, सर मारिए नहीं मुझको, आप मैं कहता हूं कि आप पुलिस आ रही है। गाड़ी वाला अपनी मोरम लेके अपने घर में बराबर कर रहा था, वहाँ मोरम में काम भी चल रहा है। इस तहत साहब पहुँचे हैं तो साहब के ड्राइवर जो हैं, ड्राइवर से पैसा के लिए बोले किसकी गाड़ी है और चलो इसको ले चलो, तो उसने कहा मैं अपनी मोरम खाली कर रहा हूँ। ऐसा कुछ होते होते गाली गलौज हुआ तो जो साहब के ड्राइवर हैं उन्होंने मार दिया ड्राइवर को, तो वो भी अपना इनसे भिड़ गया, इस तरह से मारपीट हो गई। डीजे थी वो भी सामने आए तो उनको भी गाली गलौज अपना किए, वो भी पैसा 20,000-30,000 रुपये जो जैसे होता है। अब वहाँ हम तो मौके में नहीं थे, लेकिन जैसे पहुँचे ड्राइवर फ़ोन किए, सब लोग इकट्ठा हुए तो बताए, मतलब ये हर दूसरे दिन का मामला है, 10-20 हज़ार एक गाड़ी से लेते हैं, दो तीन गाड़ी ले गए यहाँ से भांगे से रामपुरा तक में, गाड़ियों को छोड़ना, उनसे पैसा लेना चले जाना। आरटीओ साहब यहाँ के लोकलों को परेशान करते हैं, और जो अंदर खड़ी गाड़ियाँ उनको भी पकड़ ले जाते हैं, जबरदस्ती लाख तोड़ के ले जाते हैं। जैसे ड्राइवर नहीं है, कोई खाना खाने चला गया, कहीं चला गया, गाड़ी खड़ी है घर में, लोड हुई, वो गाड़ी को पकड़ के यहाँ सीधे श्रीरामपुर ले जाते हैं, और यहाँ भी जो भांगा में लेन देन कर लेते हैं लोग, जो सिस्टम में गाड़ियाँ होती हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं बोलते वो गाड़ी। कैसा सिस्टम चलता है? ये सिस्टम पैसा का होता है, जो 50,000 मांगे वो गरीब मालिक है, एक गाड़ी वाला है तो बेचारा 50,000 कहाँ देगा, जमीन बेच के थोड़ा दे देगा। उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग के विशेष अभियान चलाया जा रहा है शासन के निर्देश पर। ऐसे में मैं यहाँ पर भरतकूप से थोड़ा आगे गोना की रहा है, वहाँ पर मैं ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था लगभग 2 बजे, तो 2 ओवरलोड ट्रकें डंपर जो होते हैं वो मुझे दिखाई दिए, मैं उनके करीब गया, उस पर कोई नंबर प्लेट उन गाड़ियों पर नहीं थी। एक पर लाल रंग की जो है मोरम लदी हुई थी और एक पे बड़े वाले बोल्डर लदे थे। फिर मुझको देख करके दोनों गाड़ियों के ड्राइवर वहाँ से भाग गए। फिर मैं उन गाड़ियों को थाने ले जाने के लिए प्रयास करने लगा, कैसे इनको थाने ले जाना, तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो के बाद 5-6 मोटरसाइकिलें और से करीब 15-16 लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ हमारी हैं, आप तुरंत यहाँ से हट जाइए, ये 2 गाड़ी हम ले जाना नहीं देंगे। फिर मैंने कहा कि ये तो संभव है कि गाड़ी ओवरलोड है, गाड़ी तो थाने जाएगी।
तो फिर इतने पे उसमें से ये जो चार लोग बैठे हैं ये और तीन लोग और थे वे लोग मार पड़े।